हेलो आर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आर अनदर न्यू व्लॉग। और ये देखिए, जेडन जो है वो लोटे जो होते हैं उनसे खेल रहा था। अब आप सोच रहे हैं ये किसका घर है, तो ये हैदराबाद में हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, हम उन्हें विजिट करने गए थे तो जेडन जो है वहाँ भी किचन में घुस गया था। और देखिए कैसे तहलका मचा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये जो सालार जंग म्यूज़ियम है उसका एक पार्ट रह गया था, सो मैं वो यहाँ पर कवर कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इस व्लॉग में जो है पोर्सिलिन के बहुत प्यारे प्यारे स्टैचूज होंगे और बर्तन होंगे, क्रॉकरी होगी और काफ़ी कुछ होगा जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। देखिए स्टार्टिंग ही इतनी प्यारी हुई है। इस व्लॉग में आपको बहुत ही प्यारे प्यारे पीसेज ऑफ आर्ट देखने के लिए मिलेंगे, पोर्सिलिन यानी चीनी की मिट्टी के, और इतने प्यारे कलरफुल, और उसमें पेंटिंग्स भी इतनी अच्छी हुई थी कि हम लोग काफ़ी खुश हुए देखकर, और आप लोग भी हो रहे होंगे क्योंकि हम लोगों को जो है ये बर्तन क्रॉकरी जो होती है चीनी मिट्टी की उसका बहुत शौक है। और जहाँ भी हम देखते हैं तो मन करता है कि घर लेकर आ जाएं, बट यू नो घर पे भी इतना स्पेस नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्रॉकरी रख पाए। बट यहाँ का क्रॉकरी कलेक्शन देखकर तो हम लोग एकदम मंत्रमुग्ध जो कहते हैं वो हो गए थे। देखिए ना कितने प्यारे कलर्स यूज़ किए हैं और उसमें पेंटिंग्स भी की हुई हैं क्रॉकरी में। सो आई थिंक पोर्सिलिन और चीनी मिट्टी का जो डिस्कवरी है वो 11th सेंचुरी में हुई थी, और यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, बोर्ड्स लगे हुए थे उसमें बताया था कि ये जर्मनी में डिस्कवर हुआ था और 11th सेंचुरी में जो है ये बनाया गया था, डिस्कवरी हुई थी पोर्सिलिन की। और फिर धीरे धीरे जो है डिफरेंट टेक्निक्स भी लेकर आए ये लोग, जैसे कि ग्लॉस फायरिंग और एक और टेक्निक होती है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही। सो उस तरीके से ये लोग जो है अलग अलग टाइप के स्टैचूज और क्रॉकरीज बनाते थे। देखिए ना ये कितना प्यारा लग रहा है, और शो पीसेस काइंड ऑफ हैं इसमें, बेबीज, फैमिलीज, क्वींस, किंग्स, ये सब जो हैं ये हैं। और अब तो खैर मुझे लगता है कि ऐसे पीसेज ऑफ आर्ट हम लोग घरों में भी देख पाते हैं, हम लोगों के घर पे भी हैं छोटे छोटे पीसेस। सो ये काफ़ी चेयरफुल लगते हैं देखने में, और घर पे रखने से इन्हें एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग भी आती है। समाने को अपना बना।
लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे अब हम आ गए थे वॉल क्लॉक्स के सेक्शन में और ये देखिए ये जो है ये ब्रास की बनी हुई है और ये वुडन वाली वॉल क्लॉक्स थी। इतने अच्छे अच्छे मैकेनिज्म थे ये बीच में, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ग्लास ग्लास विंडो मैकेनिज्म वाली वॉच है और सारी आई थिंक ये ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी की क्लॉक्स हैं। आप देख रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, ये पोर्सिलिन की क्लॉक्स हैं और पोर्सिलिन का जो जो भी चीज़ें थी वो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। और ये देखिए ये ब्रास मेटल की हैं ये वाले क्लॉक्स और यहाँ पे मिक्स है, पीछे जो है पोर्सिलिन की है और ये वुडन कलेक्शन है क्लॉक्स का। ये देखिए कितना शानदार इन्होंने बनाया हुआ था ये शैंडलियर, तो मुझे ख़ास तौर पे बहुत पसंद आया। इतने बड़े बड़े शैंडलियर्स देखकर तो मतलब मैं हैरान रह गई थी, हैरान तो नहीं एक्चुअली बट बहुत अच्छा लगा मुझे। ये लाइटिंग्स भी इस रूम की इतनी अच्छी थी, इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये जो पीसेस ऑफ आर्ट हैं ये देखने का मज़ा ही अलग था वहाँ पर सामने से। और वीडियोस में हम लोगों ने ट्राई किया है ये कैप्चर करने का बट यू नो हर चीज़ के सामने एक मिरर लगा हुआ था, वीडियो में मे बी आपको हमारा रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे उस कांच की वजह से। ये वाला ये देखिए ये सीलिंग कितनी प्यारी बनाई थी, यहाँ पर रुककर परवेज़ और मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ भी खींचे हैं हम चारों के और वो फ़ोटोज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगी मे बी इन दिस व्लॉग और सम अनदर व्लॉग। ये देखिए ये भी पीसेज ऑफ आर्ट टाइप्स हैं। ये देखिए जेडन की भी मस्ती शुरू हो गई थी यहाँ पर, वो एकदम सोकर खा पी कर फुल चार्ज हो गया था और मुझे बस डर यही था कि वो किसी चीज़ का कोई नुकसान ना पहुँचा दे, वरना तो हमारे बहुत ज़ोरों से लगने वाली थी क्योंकि ऐसे एंशियंट चीज़ों की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो मतलब इनवैल्यूएबल चीज़ें हैं। हम लोगों को अटमोस्ट केयर लेनी पड़ रही थी बच्चे के साथ में, क्योंकि जेडन जो है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है और फुल्ली चार्ज था तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इतना कुछ दिख रहा है मैं क्या पकड़ लूं, कहां चले जाऊं, कहां लटक जाऊं। उसकी हरकतें एकदम बंदर की तरह थी उस टाइम पे। और ये फिर से किसी फर्नीचर के सेक्शन में हम लोग आ गए थे। ओके ये चेयर है और आई थिंक ये वहीं पे उसी रूम में जो है फर्नीचर भी था। और ये शैंडलियर्स कलरफुल वाले जो हैं ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे हम लोगों को, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और ये हम आ गए थे नए वाले सेक्शन में। ये स्पेशली जो है ये शैंडलियर्स का यानी झूमर जो होते हैं उनका सेक्शन था। देखिए कितने प्यारे लग रहे थे ये एक साथ रखे हुए और देखिए ये जेडन जो है ये कॉर्नर में आप देख रहे होंगे वहाँ पे जो चेन्स लगी थी उसे वो ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था, हमारा दिल ज़ोरों से धक धक भी कर रहा था। और ये देखिए ये ग्रैंड फुल साइज मिरर था वहाँ पर और इसकी बॉर्डर जो है ब्रास मेटल की बनी हुई थी और आप देख पा रहे होंगे कि हम चारों भी इसमें रिफ्लेक्शन में आ रहे थे। ये वाला जो सेक्शन है ये आई थिंक ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन था हमारा सलार जंग म्यूज़ियम के विज़िट का। और फिर हम आ गए थे ये वुडन ये आई थिंक ये उसी सेक्शन में ही था, ये मैंने शायद आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि ये जो है ये डबल स्टैचू है और दो साइड से आप इसे देख पाते हैं, पीछे की तरफ एक लेडी दिखाई देती है और सामने की तरफ जो है ये एक आदमी की स्टैचू नज़र आती है।
और ये जो है ये वुडन कार्विंग से बनाई हुई है। सो देखिए कितना महीन काम किया हुआ है लकड़ी में कार्विंग कर। और ये सोच ही अपने आप में कितनी अनोखी है, देखिए कि सामने से एक स्टैचू अलग दिखाई देती है और मिरर में उसके पिछला हिस्सा जो है वो एकदम अलग है। और अब हम निकल रहे थे बाहर की तरफ, तो फिर हम लोगों ने देखा एक सेक्शन था जिसमें जो सलार जंग थर्ड थे उनके पर्सनल जो यूज़ की हुई चीज़ें थी वो भी थी। और अभी देखिए ये जो है ये क्रॉकरी कलेक्शन है, ये टी सेट्स हैं अलग अलग टाइप के प्रिंटे वाले, और ये जो है सर्विंग पॉट्स थे। ये यहाँ देखिए ये उनके ज़माने में जो है मेडल्स और ये सब जो हैं उन लोगों के यूज़ किए हुए पर्सनल यूज़ किए हुए मेडल्स हैं जो उन्हें शायद कहीं से मिले होंगे। और ये वहाँ के सिपाहीज जो होते थे उनका एक स्टैचू बनाया है, कैसे उनकी यूनिफॉर्म होती थी वो सब दिखाने के लिए। और आगे आप देखेंगे सलार जंग थर्ड जो थे उनके यूज़ किए हुए उनके जो यूज़ में पर्सनल बर्तन और उनके फोटोज़ वगैरह थे। ये देखिए उनके बचपन का ये फ़ोटो है और रिफ्लेक्शन में शायद आपको मैं भी दिख रही होंगी। 19th सेंचुरी का ये फ़ोटो है, बनाया हुआ पेंटिंग है। और ये ब्रास ट्रे है और ये जो है ये मैसेजेस भेजने के लिए जो यूज़ होता था वो है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं। ये देखिए ये ये केटलीज हैं, ग्लासेस हैं अलग अलग टाइप के। और ये देखिए ये जो है ये कवर करने के लिए खाने को वो है, अलग अलग टाइप के बर्तन हैं, हुक्का भी है, ये फिर से टी पॉट्स आ गए हैं, नहीं आई थिंक ये कॉफ़ी पॉट्स हैं, यस कॉफ़ी पॉट्स हैं, ट्रे हैं। और ये देखिए कटलरी भी है, नाइफ है, फोर्क है। इतने में बच गया था 3, फिर परवेज ने मुझे याद दिलाया कि म्यूजिकल क्लॉक के शो का टाइम हो गया है। सो मैं दौड़ कर देखे ये पहुंच गई थी यहाँ पर जो है फिर से शो का टाइम होने वाला था। इतने फैलाएंगे नहीं तो आपने देखा फाइनली मैंने ये व्यू कैप्चर किया, हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट मुझे बाद में पता चला कि ये जो बगल में टीवी थी वहाँ पर जो है जूम करके दिखाया जाता है कि कैसे एक आदमी निकल कर वो जो है म्यूजिक बजाता है। और ये देखिए जेडन को जो है अपना घोड़ा दिखाई दे दिया यहाँ पर, तो वो हॉर्च हॉर्च कर कर जो है वहाँ चिपक गया और फिर उसे यहाँ पे मंकी और एलिफेंट दिख गया तो हाथी हाथी बोलकर वो वहाँ पे भी चला गया। ये उसके मतलब की चीज़ें थी इसलिए हमने सोचा चलो इसको थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड करने देते हैं, हालांकि भूख भूख बहुत लगी थी। सो आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड क्योंकि वो रहेगा गोलकोंडा फोर्ट का और फिर आगे आएंगे रामोजी फिल्म सिटी के व्लॉग्स। सो थैंक यू, बाय बाय।